हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। सो इस वीडियो में BSHF 101, ठीक है, इसके आंसर की डिस्कस करेंगे। ठीक है, आंसर मैच करते जाना है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा सारे आंसर हमारे एक्यूरेट होंगे, ठीक है, बट हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 95-96% तक सारे आंसर एक्यूरेट होंगे। ठीक है, टाइम नहीं था हमारे पास, हमने कैसे कैसे करके आंसर्स मैच किए हैं। ठीक है, सो आप अपने आंसर मैच कर लेना एक बार, ठीक है, जो जो है, और बता देना कमेंट में कि अभी कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं इसके हिसाब से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 100 में से आपको 35-34 तक लाना कंपलसरी होता है। जिसके 34 बन रहे हैं वो तो पास है, जिनके नहीं बन रहे उनको दोबारा देना पड़ेगा पेपर। ठीक है, इस बार का पेपर थोड़ा इजी आया था। देख, कुछ कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ कुछ क्वेश्चन टफ थे। ठीक है, टफ कैसे थे, लाइक ये कार्ल मार्क्स वाले इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, बाकी इंडियन जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे क्वेश्चन, वो काफ़ी बच्चों वाले थे, वो ईजी थे। ठीक है, तो मैच करते हैं अपने आंसर्स को। पहला क्वेश्चन था, देखो मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ और आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत नहीं, पेपर हो चुका है, आपको आंसर मैच करना है बस। सो पहले का जो राइट आंसर होगा हमारा, वो होगा हमारा एक सेकेंड। ठीक है, तो पहले का आई थिंक कार्ल मार्क्स या फिर एमाइल डेल्किन में से कोई एक है, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी कार्ल मार्क्स की लग रही है। ठीक है, सेकंड का आंसर हम रहने देते हैं, सेकंड का आंसर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो हमारा पैकिंग मैन होगा। ठीक है, ये राइट आंसर है थर्ड का, फर्स्ट ऑप्शन। फिर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा द न्यू स्ट्रेन एज और नियोलॉथिक पीरियड बिगेन, कब से कब तक, तो सेवन हमारा इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 7000 से 9000 के बीच स्टार्ट हुआ था, तो 7 to 9, ठीक है, ईयर अगो। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज एम्फसाइज ऑन द नीड टू कीप नॉलेज फ्रॉम डी जनरेटिंग इन टू प्रोपोगेंडा। ठीक है, तो इसका भी आई थिंक कार्ल मार्क्स ही होगा। ठीक है, ये भी आप आंसर मैच कर लेना, कार्ल मार्क्स है इसका। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स क्वेश्चन, इन कल्चरल एवोल्यूशन द स्टोन एज इज डिस्क्राइब्ड एज स्टेज ऑफ सेविंग एज डेपिकेटेड। ठीक है, डेपिकेटेड बाई, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मॉर्गन होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर मॉर्गन है। ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, मॉर्गन राइट आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन है, आयरन एज कमर्स अराउंड, तो इजी सा क्वेश्चन था, आयरन एज कब से स्टार्ट हुआ, तो 1200 BC से स्टार्ट हुआ। उसके बाद ब्रॉन्ज इज अ मैटर मिक्सचर ऑफ, ठीक है, तो ब्रॉन्ज एज को तो पता ही होगा आपको, मिक्सचर किस चीज़ का होता है, तो कॉपर और टिन का होता है, तो आपको याद होना चाहिए। फिर इवैक्यूएशन शोज दैट आयरन वेपन्स वर यूज कॉमनली इन, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कॉमनली यूज होता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। द टर्म रीएसनेशन मीन, तो इसका मतलब होता है रीबर्थ होता है, दोबारा जन्म पुनर्जन्म होता है। ठीक है, तो इसका आप याद रखना है क्या होता है, इसका मतलब पुनर्जन्म। उसके बाद क्वेश्चन है, द बुक द प्रिंस वॉज कम्पोज बाई हुम, ठीक है, तो जो प्रिंस है वो किसके द्वारा कंपोज की गई थी। अच्छा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई, ठीक है, तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, मार्टिन लूथर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरह चलते हैं, 13 क्वेश्चन, इन विच ईयर कोलंबस डिस्कवर्ड द सी रूट टू अमेरिका। ठीक है, कोलंबस हो गया, वास्को डी गामा हो गया, काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं इससे। ठीक है, तो कोलंबस ने कब रूट खोजा था सी रूट, ठीक है, अमेरिका के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1492, 1492 में खोजा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आगे वास्को डी गामा वाला भी, हु डिस्कवर्ड द सी रूट इन इंडिया। ठीक है, तो वास्को डी गामा तो बच्चों को याद होगा, फिफ्थ क्लास में हमने रीड किया था। 15 क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ईयर मैगेलन सक्सेसफुली कैश सरकम में वीगेटेड द वर्ल्ड। ठीक है, सर सर कन्फ्यूजिंग वर्ड था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 1519 से 1522 तक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 16 क्वेश्चन, द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। ठीक है, जो प्लासी ऑफ बैटल मतलब प्लासी का युद्ध था वो कब हुआ था, तो इजी सा क्वेश्चन है, प्लासी ऑफ बैटल 1757 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसके और किसके बीच हुआ था, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो किसके और किसके बीच हुआ था। 17 क्वेश्चन है, इन विच ईयर क्वीन विक्टोरिया अज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट रूल ओवर इंडिया। ठीक है, तो ये जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, तो इसीलिए 1858 में इन्होंने खुद ही कार्यभार संभालने का क्या क्या डिसीजन लिया था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑप्टेंड दीवानी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन राइट ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, कब लिया था इन्होंने, सो ऑप्शन है 1761, 62, 63 या 65।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1765 हो जाएगा, 1765 राइट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो था वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप, ठीक है, इसका हो जाएगा 1694, 1694 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर स्पिनिंग जेनी इन्वेंशन से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए, स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाई हुम, ठीक है, तो स्पिनिंग जेनी जो था वो किसके द्वारा इन्वेंट हुआ था, तो इसका हो जाएगा हार्ग्रीव, हार्ग्रीव होगा। बट देखो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था क्योंकि सेम सेम नेम एक ही जैसे रिपीट हो रहे थे। अगला क्वेश्चन है, स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई, स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था, तो ऑकराइट ने किया था, इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, 21वें का फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा। पावर लूम वॉज इन्वेंटेड बाई हुम, देख रहे हो एक ही जैसे कुछ नंबर कितने सारे आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं, ठीक है, तो पावर लूम किसने डिस्कवर किया था, तो इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा कार्टवेट, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्टवेट, ठीक है, तो इसका टिक लगा लो फर्स्ट कार्टवेट। उसके बाद देखते हैं वाटर फ्रेम वॉज इन्वेंटेड बाई हुम, वाटर फ्रेम किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था 23rd का, तो इसका ऑकराइट हो जाएगा, ठीक है, इसका भी ये ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑकराइट। 24th पे आते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल बिहार उड़ीसा इन 1793, तो लॉर्ड हमारे जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने किया था इसका, तो सेकंड नंबर राइट हो जाएगा, 24 का सेकंड नंबर टिक कर लेना आप। 25th पे आते हैं, रैयतवादी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास प्रेसिडेंसी बाई हुम, किसके द्वारा किया गया था, तो इसका हो जाएगा थॉमस मुंडो ने किया था इसका, तो 25th का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है। 26 पे चलते हैं, विच प्रोक्लेमिनेशन स्टेटेड डेट वी शेल, ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है, दो क्वेश्चन हमने अभी के लिए टाल दिया, बाद में करेंगे। 27 पे आते हैं, द फर्स्ट मॉडर्न एसोसिएशन इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड अराउंड 1837, ठीक है, तो क्या नाम था उसका, तो लैंड होल्डर सोसाइटी है आई थिंक, ठीक है, इसका राइट आंसर लैंड होल्डर सोसाइटी है, अगर ये गलत है तो आप बता देना मेरे को, ठीक है, जो जो गलती अगर करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1867 इन लंडन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या पूछा था, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नरोजी, क्या हो जाएगा, दादा भाई नरोजी। 29 पे आते हैं, इन विच ईयर वॉज पूना सार्वजनिक सभा फॉर्म, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा कब हुआ था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1876, क्या हो जाएगा, सॉरी ये अलग हो गया, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, 1870 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद 13 क्वेश्चन देखते हैं, 30वां क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज इंडियन एसोसिएशन फॉर एसोसिएशन फाउंडेड, इंडियन एसोसिएशन का फाउंड हुआ था, तो 1876 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, 1876 में हुआ था। 31 पे आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग दिया था, इन्होंने फाउंडर भी पूछ लिया था, कांग्रेस वो भी पूछ लिया था, और इसकी काफ़ी कन्फ्यूजिंग है ये, क्योंकि ये ए ओ हुम भी थे, ठीक है, ए ओ हुम भी उसी टाइम पे थे, नरोजी जी भी थे, वीसी बनर्जी भी थे, ठीक है, तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले प्रेजिडेंट तो ईजी था कि वीसी बनर्जी हमारे पहले प्रेजिडेंट बने थे, ठीक है, तो ये तो ईजिली लगा सकते थे, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, वीसी बनर्जी हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन था ना वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, क्यों, क्योंकि आप चेक करोगे ना तो ये तो चलो इसका जगह फाउंडर जब चेक करोगे ना आईएनसी के तो बहुत सारे दिखाते हैं, लाइक दादा भाई नरोजी भी दिखाता है, बट ये नहीं है, ए ओ ह्यूम मेन फाउंडर माने जाते हैं कांग्रेस के, ठीक है, तो ए ओ ह्यूम राइट आंसर हो जाएगा। हु सेड स्वराज, ये तो बच्चों को पता है इंडिया में, ठीक है, स्वतंत्रता हमारा जन्म से अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द होम रूल लीग, तो एनी बेसेंट जी ने स्टार्ट किया था होम रूल, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। 34 तक हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन, ठीक है, मैच कर लेना आपके कितने सही हो रहे हैं, अगर अभी आपके हाफ से ज़्यादा सही हैं तो इसका मतलब आप पास हो जाओगे, लेकिन नहीं है तो थोड़ा सा बॉर्डर पे रहना चाहते हो आप, ठीक है। 35, महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे, कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे, कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे, 1915 को आए थे। इन विच ईयर वॉज रॉयल एक्ट पास्ड, तो जलियावाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, जलियावाला मैस्क्यू हुआ था, उसके बाद ही जस्ट ये कर दिया गया था ताकि प्रेस या कोई भी इनके खिलाफ विद्रोह ना करे, तो 1919 में इसको किया गया था। नेक्स्ट है, द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है, तो इसका डेमोस से या उत्पन्न हुआ, डेमोस से डेमोक्रेसी बना था, तो राइट आंसर डेमोस हो जाएगा। द पंचायत राज एक्ट कम इन, देखो ऑफिशियली तो 1993 में आया था, 1993 में आया था, बट अनऑफिशियली 1957 में आया था ये, ठीक है। चिपको मोमेंट वॉज लीड बाई, चिपको मोमेंट किसके द्वारा लीड किया गया था, ठीक है, अब अच्छा ये एक मिनट, पीछे के कुछ क्वेश्चन छूट गए हमारे, ठीक है, 34, 36,
पीछे कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है। तो अभी यहीं पे कर देते हैं, थोड़ा PDF ये ऊपर नीचे हो गई, इसको ठीक करके मैं दोबारा वीडियो बना देता हूँ। अभी आप इतने आंसर मैच कर लेना, इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा उसमें सारी, क्योंकि PDF ना थोड़ी सी डिसअरेंज हो गई है, तो इसको अरेंज करके मैं दोबारा वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो समझ में आ गई हो, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।